हेलो फूडीज़, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूडीज़ फूड पे। और फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी सी, मुंह में घुल जाने वाली हल्की दानेदार मिल्केक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, आप सब भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसका कलर देखिए, कितना सुंदर सा तंदूरी कलर इसका निखर के सामने आया था। इसमें कोई भी कलर वगैरह मैंने ऐड नहीं किया, तो किस तरीके से इतनी टेस्टी सी और इतनी कलरफुल आप मिल्क केक बना सकते हैं, ये इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, देखिए कितनी सॉफ्ट बन के तैयार हुई है। इसमें मैंने हल्का सा दाना रखा है, आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं इसका दाना। वो कैसे कर सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो में ही बनाते टाइम आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसे घी से ग्रीस कर लिया है। ये 3 लीटर के करीब मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। आप कोई भी दूध ले लें, इस तरीके से पैकेट वाला या फिर जो आपका दूध वाला देखे जाता है वो भी आप ले सकते हैं। इसे डाल लीजिए कढ़ाई में। और फ्रेंड्स, अब मैं इसे गैस के ऊपर रख दूँगी उबालने के लिए। चाहे तो आप लगातार चलाते हुए फुल फ्लेम पे इसे उबाल आने तक पका लें, या फिर आप मीडियम या सिम करके छोड़ दें और बीच में इसे देखते रहें ये कभी निकल ना जाए। और इस तरीके से चलाते हुए आप उबाल आने तक इसे पका लें। फ्रेंड्स, उबाल आने के बाद या तो आप इसे सिम कर दें या मीडियम कर दें और इसे पकने दें लगातार अच्छे से, बीच बीच में चलाते रहें इसे। तो फ्रेंड्स, ये हाफ रह चुका है हमारा दूध। बीच बीच में आपको लगातार चलाते रहना और जो भी दूध साइड में जमता है उसे आप इस तरीके से छुड़ा लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें एक चुटकी डालेंगे, ये है हमारा सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का शहद, थोड़ा सा डालेंगे। मुझे बिल्कुल हल्का सा दाना चाहिए तो मैंने एक चुटकी ही इसमें डाला है। अगर आपको थोड़ा मोटा दाना चाहिए तो आप इसे डबल या ट्रिपल कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को। जितना ज़्यादा आप डालेंगे उतना ही मोटा आपका दाना होगा, लेकिन जितना मोटा दाना होगा वो उतना ही ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड होता है। मुझे थोड़ा सा कम दाना चाहिए क्योंकि मुझे थोड़ी सॉफ्ट चाहिए, इसलिए मैंने सिर्फ एक चुटकी इसमें डाला है। तो फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे साइड से छुड़ाते हुए पका लेंगे। और फ्रेंड्स, ये 1 कप चीनी है। 1 कप अगर क्वांटिटी से बात करें तो 210 या 220 ग्राम के करीब ये होगी। तो इसे 2-2 चम्मच के करीब हम इसमें डालते जाएंगे और मिक्स होने देंगे। इसी तरीके से चीनी को हमें डालना है, एक साथ सारी चीनी नहीं डालनी है। यही मिल्क केक को बनाने की ट्रिक होती है फ्रेंड्स, चीनी इसी तरीके से इसमें डाली जाती है। अगर एक साथ आप पूरी चीनी डाल देंगे तो उससे जो है हमारे ये जो मिक्स है हमारी बर्फ़ी का, हमारे मिल्क केक का, इसमें जो है टेम्परेचर एकदम से लो हो जाएगा, टेम्परेचर गिर जाएगा ज़्यादा चीनी से। और उससे फिर इसमें जब ये बनके तैयार होगा तो इसका टेस्ट मावा के जैसा होगा, जैसे मावा की बर्फ़ी होती है। तो मिल्क केक का टेस्ट लाने के लिए हम चीनी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरीके से 2-2 चम्मच करके हम सारी चीनी को इसमें डाल लेंगे और घोल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये घुल चुकी है हमारी चीनी और देखिए चीनी डालने के बाद इसका कलर चेंज होने लगा है। अब फ्रेंड्स, इसमें हम घी डालेंगे, ये 1/2 कप के बराबर मैंने घी लिया है। तो 2-2 चम्मच करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बनाने में थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ता है मिल्क केक को बनाने के लिए। इस तरीके की ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, किस तरीके से चीज़ें हमें डालनी है, यही प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है, तो आपका एक परफेक्ट सा मिल्क केक बन के तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर तैयार है और इसे बनाने में फ्रेंड्स 1/4 कप के करीब घी मेरा लग गया है। अब इसे निकाल लेंगे। ये मैंने एक केक मोल्ड लिया है, उसी में मैं निकालूंगी। पहले मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया अच्छे से, ताकि जब ये हमारा मिल्क केक बनके तैयार होगा तो आसानी से बाहर आ जाए। सारा मिक्सचर इसमें डाल लेंगे। इसे अच्छे से टैप कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा गर्म है तो किसी कपड़े से आप इसे पकड़ें। और फ्रेंड्स, अब हमें इसे बिल्कुल अच्छे से ढक के कवर करके रख देना है। अगर आप दिन में बना रहे हैं तो 2 से 3 घंटे के लिए कम से कम आप कवर करके रखें। मैं रात में बना रही हूँ तो सारी रात मैं इसे ऐसे ही ढक के छोड़ दूँगी और सुबह मैं इसे देखूँगी कैसे ये बन के तैयार हुआ है। तो अच्छे से आप ढक दीजिए, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी अब, तो सुबह हम इसे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इसे स्क्रैप कर दूँगी, साइड से छुटा दूँगी इसे चाकू की हेल्प से। और अगर ये नहीं निकलता है बाहर तो आप ये जो आपका केक टिन है उसे थोड़ा सा नीचे से गर्म कर लीजिए, तो आराम से निकल जाएगा आपका बाहर। देखिए निकल चुका है और देखिए कितना सुंदर सा इसका, कितना अट्रैक्टिव सा तंदूरी कलर आया है। तो फ्रेंड्स, इसे कट कर लेंगे।
फ्रेंड्स 3 किलो दूध से मेरा लगभग 1.5 किलो से थोड़ा सा कम के करीब मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा इसका कलर आया है, टेक्सचर बहुत ही इसका प्यारा है, और देखिए कितना हल्के से इसमें दाने मैंने दिए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा बहुत ही टेस्टी सा ये बन के तैयार हुआ है। और दाने जितने मुझे चाहिए थे हल्के दाने उतना बिल्कुल ये परफेक्ट है। देखिए बिल्कुल हल्का दानेदार ये, और कितना सॉफ्ट ये बन के तैयार हुआ है। देखिए आपको दिख रहा होगा, आपके भी मुंह में बिल्कुल पानी आ रहा होगा इसे देख के। तो दाने तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़े छोटे बड़े भी कर सकते हैं इसी साइज़ के, थोड़ा आप नींबू का जो सत है ज़्यादा डाल लीजिए, आपको ज़्यादा मोटे दाने चाहिए तो। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़े मोटे दाने का मैंने पहले ही तैयार कर रखा है, इसमें जो है नींबू का सत मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला था, 2 से 3 चुटकी डाला था। तो ये आपके ऊपर है कि दाने आप कितने मोटे या कितने जो है छोटे साइज़ के कर सकते हैं। जो छोटे दाने होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए मैंने छोटे दाने रखे ताकि कोई भी बड़े बुज़ुर्ग और छोटे बच्चे भी आराम से इसे खा पाएँ। तो फ्रेंड्स मैंने इसे पिस्ता से गार्निश कर लिया, आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर लें या ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। मार्केट में तो ये ऐसे ही आती है, ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपके मिल्क केक कैसी बन के तैयार हुई। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, साथ ही ऐसी नई नई वीडियोज़ हर रोज़ देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचाए। ओके फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूँगी, बाय।